दुनिया में फैल रही महामारी कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया हुआ है। इतनी सख्ती के बाद भी कोरोना पॉजिटिव कई केस सामने आ रहे हैं। शासन प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। जरूरत का सामान लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी समस्या ऑफिस और कंपनियों के सामने खड़ी हो गई है। लॉकडाउन के चलते सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने को कहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा टास्क है उन कंपनियों के लिए जिनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। इन कंपनियों के लिए इतने कर्मचारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते सोशल मीडिया पर जूम ऐप काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि इस एप्लीकेशन से एक बार में 100 लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला हमें अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब दूसरे हिस्से की बुराइयां निकल कर हमारे सामने आती है तब हमें एहसास होता है कि कुछ गलत हो गया है। ऐसा ही कुछ है इस एप्लीकेशन के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एप्लीकेशन साइबर क्राइम को बढ़ावा दे सकती है। इसके चलते डाटा हैकर आपका डेटा चुरा सकते हैं, जिसमें मीटिंग में हुई बातें, बताई गई कुछ ज़रूरी चीज़ें चोरी हो सकती हैं। हालांकि इस एप्लीकेशन में कहा गया है कि आपका डेटा कोई थर्ड पार्टी इनक्रिप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन आप भी साइबर अपराधियों से बचना चाहते हैं तो सावधानी से एप्लीकेशन का यूज़ करें। मीटिंग करते वक्त सावधानी रखें, हर मीटिंग का एक अलग पासवर्ड रखें। पासवर्ड ऐसा हो जो किसी की समझ में ना आए, जिससे हैकर्स आसानी से आपका डेटा हैक ना कर सकें। हम यही कहेंगे कि अगर ज़रूरत हो तो आपको ज़्यादा लोगों से कोऑर्डिनेट करना हो तभी इस एप्लीकेशन का यूज़ करें। अगर कम लोगों से कॉन्टेक्ट करना हो तो आप दूसरे तरीके से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.